नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और दोस्तों, जो आज का वीडियो भी है वो भी बहुत सुंदर फूलों वाला प्लांट है। और ये भाई आप भीगे हुए फूल देख रहे हो। कल जैसे ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाया उसके बाद इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई, और आज भी देखो कैसा मौसम हो रहा है ना। लेकिन दोस्तों, जो कल वाला वीडियो है उसके साथ ही मैंने ये जो वीडियो आज का ये रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन आज भी देखो कैसा मौसम हो रहा है, आज फिर से गड़बड़ होने वाली है शायद। और ये भी सुबह सुबह कुछ फूल खिल रहे हैं वो देख लो। तो आज दोस्तों बात करेंगे हम प्लूमेरिया की। प्लूमेरिया की ही एक वैरायटी है नागचंपा। और ये देखो सारे के सारे प्लांट कितने ज्यादा ओवर ग्रो कर रहे हैं। इसकी भी कटिंग लगाना मैं सिखाऊंगी आपको। एक जोरा है ये, और ये देखो मैंने इसकी खूब कटिंग लगाई भी थी, और फिर भी देखो बरसात होने के कारण कितना ज्यादा फैल रहा है ये। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। प्लूमेरिया की दोस्तों आपको कोई भी वैरायटी मिलती है तो आप इसी तरीके से लगाना। और ये भाई कल मैंने एक जोरा जो लगाया था उस टाइम तो पानी दिया नहीं था, है ना, और फिर मैंने कल जब खूब बारिश आई तो इसको बरसात में रख दिया था भीगते हुए बिल्कुल क्योंकि एकदम से बारिश आई ना, पता ही नहीं चला कि बरसात आ गई। तो ये है भाई आपका नागचंपा का प्लांट। और दोस्तों इसी तरीके से आपने चंपा की कोई भी वैरायटी हो वो लगानी है। और ये बहुत रफ एंड टफ प्लांट है दोस्तों, और बहुत जल्दी से इसकी कटिंग लग जाती है, और ये बिल्कुल ड्राउट रेजिस्टेंट है नागचंपा। इसलिए इसके पत्तों की शेप देखो बिल्कुल नाग के फन जैसी है, इसलिए इसे नागचंपा बोलते हैं। है वैसे ही प्लूमेरिया की वैरायटी। तो मुझे तो ये लगाना था खैर, लेकिन आपको अगर इसकी प्लूमेरिया की कोई भी वैरायटी मिलती हो, कोई शेड है आपके पास दूसरा आपको दिख जाता है, तो उसके एक ब्रांच तोड़ के आप इसी तरीके से घर पे लगा सकते हैं। चाहे इसकी कितनी मोटी पतली ब्रांच हो, इसकी सारी ही लग जाती है। तो बिल्कुल बरसात में नहीं रखना आपने इसको। मैंने भी कल बरसात में नहीं रखा इसको, लगाया भी मैंने शेड में ही था, लेकिन एक्जोरा को फिर मैंने बारिश में रख दिया था। और ये देखो दोस्तों दो तीन दिन के बाद अब जो इसका सैप सा निकलता है ना वो भी सूख चुका है। और ये मैं नर्सरी से ही लेके आई थी कटिंग, आपको पता है मैंने वीडियो में दिखाया था आपको। तो इस टाइम दोस्तों थोड़ा मॉइस्चर वाला मौसम चल रहा है, इसलिए हम इसका ये सैप सुखा लेते हैं ताकि कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। अदरवाइज अगर आप गर्मी में लगा रहे हो ना, बिल्कुल जब तेज गर्मी है तब तो आप बिल्कुल इसका ऐसे ही लगा सकते हो, क्योंकि वो सैप ऐसे ही सूख जाता है ऑलरेडी, इतना ज्यादा होट एनवायरनमेंट होता है। लेकिन अब जैसे मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट है, ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट है, तो हमने इसका वो सैप सा सुखा लिया। और बस इसकी सारी हम पत्तियां भी हटा देंगे, फूल भी हटा देंगे, कोई भी आप ब्रांच ले रहे हो चाहे। और बिल्कुल जो छोटी छोटी सी पत्ती बिल्कुल ऊपर से टिप पे से आ रही होती है, बस उसको छोड़ देंगे। तो ये देखो इसका सारा कुछ हटा देना है आपने। इस टाइम दोस्तों इस पे फूल आ रहे होंगे, मैं भी जब सैर करने जाती हूँ तो मोस्टली इसकी फ्लावरिंग हो रही होती है। तो इस टाइम ना आपके पास एक कलर चॉइस भी हो जाएगी कि आपके पास कौन सा कलर है, आपको कौन सा चाहिए, अदरवाइज तो वैसे पता नहीं लगेगा, है ना। तो इस टाइम इसके फूल खिले हुए हैं, तो एक बार आप जरूर नोटिस करना, और आपको इसका अलग कलर देखने को मिले तो आप इसकी कटिंग जरूर ट्राई करना इसी तरीके से। तो ये है भाई कुछ लंबी सी कटिंग, और नोड के नीचे से वैसे ही ऑलरेडी कट लगा हुआ है, और बीच में से इनकी दो दो बना लेते हैं हम, है ना, बीच में से काट काट के इनकी एक एक कटिंग की दो दो कटिंग कर लेते हैं, और इसी तरीके से फिर हम इसको लगा देंगे। तो ये देखो दो कटिंग होगी, अब जो दूसरे वाली थी इसकी भी दो कटिंग कर लेंगे। और दोस्तों इसकी कैसी भी मोटी पतली ब्रांच आप ले आओ, सब की सब लग जाती है। और यही तरीका होता है प्लूमेरिया को लगाने का, बस इतना ध्यान रखना है आपने। जब भी इसका ब्रांच आप लगा रहे हो काट के, तो पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए सोइल में, और बिल्कुल हल्का सा मॉइस्चर रखो, क्योंकि ऑलरेडी इनके अंदर इतना लिक्विड होता है कि अगर आप ज्यादा पानी दोगे तो वो खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे फिर आपके आपकी जो ब्रांच आपने लगाई है ज्यादा मॉइस्चर के कारण। और इसको दोस्तों मैं लगाऊंगी ऐसे प्लांट के साथ जो इसकी तासीर जैसा है। और दोस्तों इसकी तासीर वाला प्लांट मैं बताती हूँ आपको कौन सा है। और दोस्तों इस प्लांट की एक खासियत है, जितना इन पौधों को आप कम पानी देते हो ना, उतनी ज्यादा अच्छी फ्लावरिंग होती है, और जितनी आप इनकी केयर करोगे, इनको पानी वानी दोगे, वो खराब होते चले जाएंगे। तो इसी तरीके का अपना प्लांट है बोगनविला। तो इसकी भी ये कटिंग्स कुछ लगी हुई है मेरे पास, ये अच्छी चल रही है। और ये अकालिफा की भी एक कटिंग लगाई थी, ये भी चल रही है। इन्हीं के साथ मैं इसको लगा देती हूँ, अगर आगे चलता भी है तो भी चलता रहेगा, क्योंकि बोगनविला की और प्लूमेरिया की ऑलमोस्ट एक सी तासीर है। दोनों को ही पानी कम पसंद है, फुल सनलाइट पसंद है,
और दोनों का ये खासियत है दोस्तों कि जितना इनको पानी कम दोगे उतनी ज्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इसी में मैं लगा देती हूँ इसको, और देखो गमले में भी काफी अच्छी जगह बची हुई है ना। तो उसने तो वैसे भी बेली बनना है, ऊपर जाना है उसने, नीचे नीचे ये प्लांट अपना कवर कर लेगा है ना एरिया को। तो इस तरीके से आपने कटिंग लगानी है, और अकेले में लगाओ, अकेले में लगा दो। मैं तो कोई गमला नहीं पड़ा था इसलिए लगा रही हूँ। और ये देखिए मैंने और भी सारी कटिंग लगा रखी है बोगनवेला की, और साथ में मैंने जो अभी एक्जोरा लगाया था, सॉरी वीडियो तो आ जा रही है ना, लेकिन मैंने वीडियो कल ही बना लिया था इसका भी, क्योंकि कल मैं यहाँ बैठी काम कर रही थी, फिर मैंने सारा काम कर ही दिया था। और दोस्तों इसको लगाते लगाते मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे गार्डनिंग के, कटाई छटाई और भी कटिंग लगाई थी। और उसके बाद जब बारिश हुई ना, इतना मन शांत हुआ कि हाय देख बरसात भी पड़ेगी, और मैंने सारा का सारा अपना काम कर भी लिया। बड़ा अच्छा लगता है जब आप गार्डन की साफ सफाई करते हो और नेचुरल वाटर जब मिल जाए प्लांट्स को, है ना। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कोई ज्यादा पानी वाली बात नहीं है, ये साइड में रखे हुए हैं प्लांट, सनलाइट तो यहाँ बहुत आती है लेकिन पानी ज्यादा नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने ये वाली जगह चुनी है इसके लिए, क्योंकि अगर मैं बाहर की तरफ लगाती तो पानी ज्यादा गिर जाता। और कई बार दोस्तों तेज बारिश के कारण इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है पानी कि गमलों में काफी देर भरा रहता है, जिसकी वजह से कटिंग खराब हो सकती थी, लेकिन इस साइड ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ये कटिंग मैंने लगा दी, ऐसे ही आपने लगानी है, कुछ भी नहीं करना। इसकी कैसी मर्जी सोयल ले लो, हो सके तो रिवर सैंड वाली लो, और नहीं तो जैसी मर्जी सोयल में लगा दो, इसकी कटिंग तो चली जाती है। बस इतना ध्यान रखना पानी ज्यादा नहीं देना, नहीं तो उसी से इसकी स्टेम गलती है। तो ये था जी तरीका, मैंने आपको नागचंपा लगा के दिखाई है। आप जैसी मर्जी प्लूमेरिया की कटिंग लगा सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जहां से भी आप ब्रांच तोड़ लाओ, घूमते फिरते दिखी जाती है ना। जैसे आपके पास लेमन शेड है तो व्हाइट ले आओ, व्हाइट है तो मेहरून वाली ले आओ, ऐसे बहुत सारी शेड होती है आपको अगर अलग दिख जाए तो। ये देखो ये भी कुछ कटिंग मैंने लगाई थी प्लूमेरिया की, अच्छी चल गई है ये भी, ये देखो इस पर तो लीव्स भी आ गए हैं, और इसी तरीके से इन पे भी अभी आने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप कटिंग लगाते रहते हो दोस्तों, आपके पास फ्री के प्लांट तैयार होते रहते हैं, आपका हाथ भी साफ होता जाता है। तो कटिंग लगाने से कभी मत डरा करो, धीरे धीरे कटिंग लगाते लगाते हाथ साफ होता है, एक बार में कुछ भी नहीं होता। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कटिंग लगानी आपको आ गई होगी। और ये लग गई है जी अपनी सारी कटिंग, इसी तरीके से आपने भी लगानी है। और यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया है इसका मतलब आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है ना, आपको मुझे थैंक यू करना चाहिए, मुझे आपको करना चाहिए, है ना। तो अगर नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और अपने जैसे लोगों को शेयर भी किया करो वीडियोस, और अच्छा लगे तो लाइक भी किया करो भाई। और भाई ये है आज का क्लिप, ये देखो सारे के सारे फूल फिलहाल तो खिले हुए हैं, लेकिन अभी भी मैंने जैसे बताया था घटा पूरी हो रही है। और इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों ये मेरा अकाउंट है, इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के डालती रहती हूँ। और ये देखो इस तरह से आप भी सीड पोर्ट सुबह सुबह चेक करते रहा करो, और जो सीड पोर्ट पग गए हो उनसे और प्लांट बनाया करो। तो बस भी वीडियो को एंड करते हैं इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।